वजीर आजम इमरान खान के मौवनी खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि बरतानिया में डेक्सामेथाजोन से नतायज मस्बत आए हैं। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी वाकई हुई है। वजीर आजम इमरान खान के मौवनी खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि डेक्सामेथाजोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। पाकिस्तान में माहिरीन की कमेटी डेक्सामेथाजोन के इस्तेमाल पर गौर करेगी। WHO ने कोरोना के इलाज में से अहम पेशरफ्त करार दिया। WHO ने कोरोना मरीजों के लिए डेक्सामेथाजोन को खुश आइन कहा है। दूसरी जानेब चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने ड्रग इंस्पेक्टर्स के नाम रास्ता लिखा, जिसमें डेक्सामेथाजोन के खरीदो फरोख्त पर निगरानी करने की हिदायत की गई। ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने मरासले में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए ये दवा अहम है, लिहाजा दवा की मौजूदगी और तरसील से मुतालिक रिपोर्ट कल तक जमा कराई जाए। वाज़ेह रहे कि बरतानिया के साइंसदानों ने स्टेरॉइड दवा डेक्सामेथाजोन को कोरोना वायरस के इलाज में इंतहाई मौसर करार दिया। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोरोना के खिलाफ डेक्सामेथाजोन दवा का कामयाब तजर्बा किया, जिसके इस्तेमाल से 3 में से 1 शदीद बीमार कोरोना मरीज से एहतियाब होने लगा है। बरतानवी साइंसदान प्रोफेसर पीटर हॉर्बे के मुताबिक ये अब तक की पहली दवा है जिसने कोरोना में अमवात को कम करके दिखाया और ये एक अहम पेशरफ्त है।